हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुम्बरा में 6 से 7 नगर सेवक बाला साहब की शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। एनसीपी के पूर्व नगर सेवक मोरेश्वर किने ने ऐसी जानकारी दी है। आपको बता दें कि 12 फरवरी को एनसीपी की 12 बजे की, ऐसा शिंदे गुट के नेता नरेश मस्के ने कहा था। और आज 12 फरवरी को मुम्बरा शहर में बाला साहब की शिवसेना के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे काफी एक्शन मोड में मुम्बरा में आ रहे हैं, और बाला साहब की शिवसेना की तरफ से मुम्बरा शहर के विकास के लिए बड़े कामों का ऐलान भी किया गया है। मुम्बरा शहर में खासदार श्रीकांत शिंदे का जोरदार स्वागत करने के लिए मुम्बरा शहर की सड़कों पर हर जगह बैनर लगाए गए हैं, और आज शाम करीब 6 बजे मुम्बरा में श्रीकांत शिंदे की विशेष निधि से मुम्बरा शहर के कई कामों का उद्घाटन होगा। यानी कि टोटल 16 कामों के लिए करीब 6 करोड़ रुपए की विशेष निधि दी गई है, और इन्हीं कामों को लेकर जो है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे मुम्बरा में आज शाम को आ रहे हैं। मगर वहीं ऐसे में एनसीपी के पूर्व नगर सेवक मोरेश्वर किने ने कहा है कि जल्द ही 6 से 7 नगर सेवक बाला साहब की शिवसेना में शामिल होंगे। मोरेश भाई क्या कहेंगे, बहुत ही जोरदार तरीके से बैनरबाजी की गई है श्रीकांत शिंदे के स्वागत में, कितने कामों का उद्घाटन है, कितनी निधि है टोटल? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके मार्गदर्शन में और हमारे लोकसभा कल्याण लोकसभा क्षेत्र के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, इनके सहकार्य से आज 214 करोड़ का निधि पूरे लोकसभा क्षेत्र में आया। उसमें से 7 करोड़ का निधि हमारे मुम्बरा में आया हुआ है। उसमें 16 काम है टोटल। सम्राट नगर का रास्ता हो, कब्रस्तान का रास्ता हो, या चरनीपाड़ा देवरीपाड़ा वाका रोड हो, ये टोटल इतना बजट आ चुका है। हम खासदार श्रीकांत शिंदे जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने हमारे जो लेटर दिए थे उसका मान रखते हुए जो काम सुझाए थे उसको उन्होंने अपने इसमें ये करके विशेष निधि हमको दिया है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और मुम्बरा में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जाएगा। नरेश मस्के ने जिस तरह से कहा था 12 तारीख को एनसीपी की 12 बजे की, तभी से श्रीकांत शिंदे काफ़ी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, और आज 12 तारीख भी है, मुम्बरा में भी आ रहे हैं। 12 तारीख तो है, लेकिन 12 तारीख में थाना में जो हमारे सरकारी नगर सेवक है हनुमान जगदारे साहब, दिगंबर ठाकुर, उनके साथ में जो टोटल 6 नगर सेवक जा रहे हैं आज शिंदे साहब की शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना में, शिंदे साहब के नेतृत्व में। और जल्द ही मुम्बरा में भी आपको दिखेगा कि कितने नगर सेवक शिंदे साहब के मतलब साथ में जाते हैं या मुम्बरा विकास आघाड़ी बना के जाते हैं, ये तो जल्दी दिखेगा। यानी हमारा जाना ये है कि मुम्बरा का विकास हो, जो मुम्बरा के लोगों को सुविधा चाहिए, जो सुविधा नहीं मिली इतने साल से, वो सुविधा के लिए हम उनसे वो उनके साथ में जा रहे हैं। इस तरह से नरेश मस्के ने कहा था कि 12 तारीख को 12 बजेगा, तो क्या मुम्बरा में भी एनसीपी की 12 बजेगी? ज़रूर बजेगी, अगर उन्होंने कहा है तो कुछ प्लानिंग होगा। आप लोगों में से कितने लोग जाने वाले हैं? अभी तो हमारे में से 6-7 लोग हैं, और भी बढ़ सकते हैं।